आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी और कुरकुरे और बहुत ही मिनटों में बनने वाला एक ऐसा नाश्ता जो आप बच्चों को टिफ़िन वगैरह में भी बना के दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। तो चलिए ये बेहतरीन सा नाश्ता बनाते कैसे हैं इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना, और साबूदाना को मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद अब इसे 3 से 4 घंटे में ये देखिए बढ़िया तरीके से फरहरे अच्छे से हो गए हैं और ये फूल गए हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं और बढ़िया से दिख रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके रख लिया है। और यहाँ पर मैंने बॉयल्ड आलू ले लिए हैं, आलूओं को 4 से 5 आलूओं को अच्छे से बॉयल कर लिया था। और ये देखिए अच्छे से छील के अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। सुबह इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करने रहते हैं, बच्चों का टिफ़िन, इनका ऑफिस, मेरा भी ऑफिस, तो ये देखिए सारे काम। तो ये सब काम भी आप एक नाइट पहले करके आराम से रख सकते हैं कि आपको सुबह ज़्यादा टेंशन ना हो। तो हमारे आलू हो चुके हैं अच्छे से मैश, और इसमें अब हम ऐड करेंगे साबूदाना जो हमने फुला के रखा था। ये देखिए अच्छे से मैं यहाँ पर 4 से 5 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी के हिसाब से ही इसे फुलाया था। तो देखिए बहुत अच्छे से भर कर अच्छे से ये फूल चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे अदरक जो हमने कद्दू कर कस के रखा था, फिर हरी मिर्ची, और यहाँ पर हम डालेंगे प्याज। अब इन सबको अच्छे से हम डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने डाला है 3 से 4 छोटे चम्मच, बिल्कुल छोटे चम्मच जीरा पाउडर। ये देखिए अच्छे से भर कर मैंने डाला है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सब्जी मसाला। ये देखिए सब्जी मसाला अच्छे से भर कर हमने अच्छे से डाल दिया है। आप जो भी घर में यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच करीब मैंने यहाँ डाला है अमचूर पाउडर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। ये सब डालने के बाद अब हम हाथ से ही थोड़ा सा मैश करते हुए इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। और ये सब डालने के बाद अब इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको सफ़ेद नमक नहीं डालना है तो आप काला नमक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद अब इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखिए क्योंकि हमें अच्छे से साबूदानों को बाइंड करना है, और आलू का इन सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और मसालों का भी, तभी तो स्वाद बेहतरीन आएगा। सब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम जल्दी से इसे शेप दे देंगे। आपको जो भी पसंद है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसा भी आपको पसंद है आप जल्दी से इसे शेप दे दें। ये देखिए मैंने इसे शेप दे दिया है और इतना ही थिक बनाया है। दूसरी तरफ मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें तेल डाल दिया है, अच्छा सा रिफाइंड ऑयल, और इसे अच्छे से भर कर डालें, और अच्छा हाई फ्लेम पर इसको अच्छा तेज़ गर्म कर लें, क्योंकि इसे हाई फ्लेम पे ही हमें पकाना है। तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो 1 by 1 करके हमें इसमें ये साबूदाना और आलू के बना हुआ नाश्ता जो टिकिया है इसमें ऐड करनी है। ये देखिए एक बैच में जितना आ जाए आप उतना से डाल दें, और ये देखिए, और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करें। ये देखिए हमने अच्छे से सारे डाल दिए हैं, और हाई फ्लेम पे अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मिनटों में बन जाता है, बहुत ही कम समय में। अगर आप आधी प्रिपरेशन नाइट में भी करके रेडी कर लें तो मॉर्निंग आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहता है। बच्चों को भी बहुत ही चटपटा कुछ खाने का मन करता है टिफ़िन में, तो ये बेस्ट ऑप्शन है टिफ़िन के लिए। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसे देखिए फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से बिल्कुल हो गए, आप साइड साइड से देख सकते हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए बढ़िया तरीके से ये अच्छे हो गए हैं कुरकुरे। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पलट देंगे। ये मेरे साथ हमेशा होता है, आपके साथ ऐसा होता है कि एक को पलटो तो दूसरे के ऊपर चला जाता है? तो आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी सावधानी से इसे पलटें, क्योंकि
ये देखिए यहाँ वहाँ ये बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं। चलिए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए ये बढ़िया तरीके से हमें दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और हमें इसे डीप फ्राई करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी ये खाने में बहुत ही कुरम कुरम और टेस्टी लगेंगी। तो इस तरीके से हम दोनों साइड से इन्हें बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे और ये आपको 7 से 8 मिनट में बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो जाएगा हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं और अभी अच्छे से हो चुके हैं। तो चलिए अभी हमें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे साबूदाना की, आलू और साबूदाना की बनी टिकिया रेडी हो चुकी है। सॉस के साथ हमने सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही यम्मी देखिए बन गया है ना, कम समय में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है ना आपको। तो चलिए मैं आपको एक उठा के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए मैं अंदर से भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी। ये देखिए सॉस के साथ डिप करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप भी बनाइए, आप भी खाइए और कमेंट्स करके